सो दोस्तों, अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस करना है तो आपके दिमाग में एक हर बार एक क्वेश्चन आता है कि यार इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस करने के बाद मेरे को आगे प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करने वाली है वेस्पा इलेक्ट्रिका वर्सेज टीवीएस का आई क्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर। स्टेप बाय स्टेप कंपेरिजन करेंगे, जितना हो सके उतना हम यहाँ पर स्टेप में इसमें ऐड करने के बाद कंपेरिजन करेंगे एंड फाइनल डिसीजन लास्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे विच अ बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर 2020 एंड क्यू बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाले, उसी के बारे में टॉपिक पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर एंड आप देख रहे हैं स्पेशल इलेक्ट्रिक व्हीकल यूट्यूब चैनल राइड विद मयूर। दोस्तों, आप सभी को पता है टीवीएस का आई क्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी धमाकेदार यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने के बाद बैंगलोर में 1,15,000 रुपये में ऑन रोड मिल रहा है। काफ़ी इसके इंटरेस्टिंग फीचर्स वगैरह है, काफ़ी अच्छा लुक भी इसे इलेक्ट्रिक स्कूटर का है। बट दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर जो वेस्पा की तरफ से भी इलेक्ट्रिका इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दी है। लॉन्च मतलब इन्होंने एटेक्सपो में दिखाया था एंड आपको 2020 में मई या जून में आपको यहाँ पर जो लॉन्च होने वाले, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर जो लीक हो चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कंपेरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइस की बात करें दोस्तों, तो टीवीएस आई क्यूब का 1,15,000 रुपए ऑन रोड का प्राइस यहां पर अवेलेबल होने वाला है। तो दूसरी तरफ हमारा वेस्पा की इलेक्ट्रिका इलेक्ट्रिक स्कूटर का आपको प्राइस यहां पर कंपनी ने नहीं बताया है। मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं होने वाली है वेस्पा की इलेक्ट्रिका, तो इसी कारण से आपको यहां पर इसके प्राइस जो है बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड में प्राइस हो सकती है। कम से कम 1,10,000 टू 1,20,000 के आसपास का जो है कम से कम प्राइस अवेलेबल होने वाला, क्योंकि इसमें जो है जियो फैन सेंसी वाले फीचर्स वगैरह है। बट इसमें आपको सब्सिडी अवेलेबल नहीं होने वाला है मेड इन इंडिया नहीं होने के कारण। तो टीवीएस आई क्यूब में आपको जो फैंसेंसी वाले फीचर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं प्लस आपको इसमें सब्सिडी वगैरह मिल जाती है, तो आपको 1,15,000 रुपए ऑन रोड का प्राइस अवेलेबल होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा है रेंज के बारे में। रेंज की बात करें दोस्तों, तो आपको वेस्पा इलेक्ट्रिका स्कूटर में आपको रेंज मिलने वाला है 100 किलोमीटर का। आपको रेंज इको मोड पर मिलने वाला है, पावर मोड पर अगर आप इसको यूज करोगे तो 70 किलोमीटर का रेंज यहाँ पर जो मिलता है ऐसा कंपनी ने कहा है। बट हम रियल में बात करें दोस्तों, तो रियल में कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का रियल रेंज नहीं होता, तो कंपनी का कहना है कि 100 किलोमीटर इको मोड पर मिलेगा ही मिलेगा। बट देखते ही लॉन्च होने के बाद कितना इसका जो रेंज वगैरह जाता है। सो बात करें हम टीवीएस आई क्यूब की दोस्तों, टीवीएस आई क्यूब एक बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसका लुक भी अच्छा है, मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो उसी कारण से आपको यहाँ पर जो है 75 किलोमीटर का रेंज यहाँ पर कंपनी ने कहा है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने 75 कहा है एंड कस्टमर को उतना ही रेंज मिल रहा है। बैंगलोर में यहाँ पर जो इसकी डिलीवरी वगैरह कस्टमर ने ले चुके तो वहाँ पर भी अच्छा इसका फीडबैक आया है। बट आपको वेस्पा की इलेक्ट्रिका स्कूटर में आपको लगभग अगर आप दोनों मोड यूज करोगे तो आपको 90 किलोमीटर का आसपास का रेंज मिलने वाला है। टीवीएस आई क्यूब का 75 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है, रेंज में ज़रा सा आपको डिफरेंट आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बैटरीज के बारे में। बैटरीज की बात करें तो आपको यहाँ पर जो वेस्पा की इलेक्ट्रिका स्कूटर में आपको यहाँ पर बैटरी अवेलेबल हो जाता है। 4.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक अवेलेबल है जो कि लिथियम बैटरी है, फुली लिथियम दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में अवेलेबल है। 1 आवर में 30% बैटरी चार्ज हो जाती है वेस्पा इलेक्ट्रिका की। एंड टीवीएस आई क्यूब की बात करें तो उसमें आपको लिथियम का बैटरी पैक अवेलेबल हो जाता है जो कि 4.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। ज़्यादा बैटरी पैक आपको टीवीएस आई क्यूब में मिलने वाला है जो लगभग 4 या 5 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाता है, जो कि 75 किलोमीटर का रेंज दे देता है एंड 100% आपको यहाँ पर जो है टीवीएस आई क्यूब का रेंज मिलने वाला है। वेस्पा इलेक्ट्रिका स्कूटर मेड इन इंडिया नहीं होने वाली है, तो उसी कारण से रेंज में ज़रा से आपको वेस्पा की इलेक्ट्रिक स्कूटर में डिफरेंट आ सकता है। बट टीवीएस आई क्यूब में अच्छा आपको यहाँ पर जो रेंज वगैरह मिलने वाला है। सो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों स्पीड के बारे में। स्पीड की बात करें हम यहाँ पर डिफरेंट, तो दोस्तों आपको स्पीड में आपको वेस्पा इलेक्ट्रिका स्कूटर में आपको स्पीड मिलने वाला है टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर तक का टॉप स्पीड अवेलेबल होने वाला है। सो गाइज आपको टीवीएस आई क्यूब में यहाँ पर जो है 40 किलोमीटर पर आवर तक का टॉप स्पीड 4.2 सेकंड में ये पिक पावर लेता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पिक पावर लेता है टीवीएस आई क्यूब का। उसका रीज़न भी अच्छा अच्छे रीज़न भी है, जैसे कि इसका टीवीएस आई क्यूब में आपको हब मोटर अवेलेबल हो जाता है, तो उसी कारण से आपको 40 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड पिक पावर आपको 4.2 सेकंड में लेता है। एंड टॉप स्पीड की बात करें टीवीएस आई क्यूब की, तो टॉप स्पीड आपको 78 किलोमीटर पर आवर तक का टॉप स्पीड अवेलेबल होने वाला। टॉप स्पीड में आपको ज़रा सा डिफरेंट आने वाला है, टीवीएस आई क्यूब आगे जाने वाली टॉप स्पीड के मामले में। सो नेक्स्ट पॉइंट है मोटर के बारे में। मोटर की बात करें दोस्तों, तो मोटर में भी आपको डिफरेंट आने वाला है, 100% डिफरेंट आने वाला है वेस्पा की इलेक्ट्रिका इलेक्ट्रिक स्कूटर में। आपको यहाँ पर जो है मोटर की बात करें तो मोटर आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल होने वाला 4.20 किलोवाट आवर का आपको यहाँ पर जो मोटर अवेलेबल हो जाता है वेस्पा की इलेक्ट्रिक स्कूटर में।
तो बात करें हम TVS iQube की, तो TVS iQube में आपको मोटर अवेलेबल होने वाली है 4.4 किलोवाट की, आपको यहाँ पर जो हब मोटर अवेलेबल होने वाला जो कि व्हील में ही फिट होता है, तो उसी कारण से आपको ज़्यादा पिक पावर लेता है। एंड विस्पा इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको यहाँ पर जो है ब्रशलेस आपको जो है DC मोटर आपको अवेलेबल होने वाली है। सो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो है दोस्तों, बॉडी मटेरियल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बॉडी मटेरियल की बात करें तो आपको यहाँ पर जो विस्पा इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफ़ी आपको अच्छा बॉडी मटेरियल मिल जाता है, जो कि हम कंपेयर करें TVS iQube से, तो TVS iQube का आपको यहाँ पर जो बॉडी मटेरियल मिलने वाला है, फाइबर बॉडी मटेरियल आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है, तो अच्छा है। ओकिनावा के सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में ओकिनावा या हो गया अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर में फाइबर बॉडी मटेरियल आता है, तो वेस्पा इलेक्ट्रिका स्कूटर में मेटल बॉडी इसमें यूज़ किया गया है, तो काफ़ी यहाँ पर जो है बॉडी की आपको यहाँ पर जो है शेप वगैरह एंड इसका जो है टिकाऊ, आपको टिकाऊ की बात करें तो आपको टिकाऊ जो आपको सबसे अच्छी वेस्पा की लगने वाली TVS iQube का आपको यहाँ पर जो बॉडी मटेरियल फाइबर का इसमें यूज़ किया गया है, तो वो आपके हिसाब से आप जो अगर आपको iQube लेना है तो आपको यहाँ पर जो है बॉडी मटेरियल अवेलेबल होने वाला है। सो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर में भी आपको बहुत बड़ा डिफरेंट आने वाला है। आपको वेस्पा की इलेक्ट्रिका स्कूटर में आपको स्पीडोमीटर बहुत छोटा, मतलब इतना भी बड़ा नहीं मिलने वाला है। हम कंपेयर करें TVS iQube से तो आपको काफ़ी आपको जब मतलब कम आपको यहाँ पर जो है वेस्पा की इलेक्ट्रिका स्कूटर में अब आपको यहाँ पर जो स्पीडोमीटर अवेलेबल होने वाला है। अगर हम TVS iQube की बात करें तो काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर जो है जैसे एथर का आता है वैसा आपको यहाँ पर जो है स्पीडोमीटर मिलने वाला है। कनेक्टिविटी, जियो फैंसेंसी एंड मोर फीचर्स आपको जैसे बहुत सारे जियो फैंसेंसी के इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिल जाते हैं वैसे आपको TVS iQube में मिलने वाली है। विस्पा इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी अवेलेबल होने वाले, बट उसकी स्क्रीन जो है बहुत स्मॉल स्क्रीन है आप कंपेयर करें TVS iQube से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा यहाँ पर कुछ इसके सब्सक्रिप्शन एंड सर्विस के बारे में। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर जो TVS की iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री देने वाली है कंपनी, ऐसा कंपनी ने कहा है। बट विस्पा के इलेक्ट्रिका स्कूटर में इन्होंने कुछ यहाँ पर अपडेट वगैरह नहीं दिए, तो उसी कारण से अभी हम इसमें फिक्स नहीं कर सकते दोनों में से कौन सा बेस्ट, बट आपको डिस्प्ले में ज़रा सा डिफरेंट आ सकता है, जैसे कि iQube का बेस्ट है विस्पा से हम कंपेयर करें तो। सो बात करें हम इसके कुछ और भी कई फीचर्स के बारे में। लुक की बात करें दोस्तों, तो लुक आपको काफ़ी अच्छा लुक आपको दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाला है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लुक कौन सा अच्छा लगता है। मेरे को तो सबसे अच्छा यहाँ पर जो है TVS का iQube का लगा, क्योंकि उसका लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बात करें हम विस्पा इलेक्ट्रिका स्कूटर की, तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक अवेलेबल होने वाला है, रियर में आपको यहाँ पर जो ड्रम ब्रेक अवेलेबल होने वाला है, एंड TVS iQube में आपको सेम टू सेम आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्विस के मामले में। सर्विस की बात करें तो सर्विस आपको यहाँ पर जो है विस्पा इलेक्ट्रिका स्कूटर की सर्विस अभी तक यहाँ पर जो प्रोवाइड नहीं किए, बट कंपनी कह रही है कि हम अच्छी सर्विस देंगे। बट हम कंपेयर करें TVS iQube से, तो TVS iQube ने यहाँ पर जो है सर्विस काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से सर्विस दी है। जैसे कि बैंगलोर में ऑलरेडी इसके जो है डिलीवरी इसको इलेक्ट्रिक स्कूटर की हो चुकी है, काफ़ी अच्छा सर्विस इसका यहाँ पर जो कस्टमर का फीडबैक आने बाद लगा है, एंड रेंज भी काफ़ी एक्यूरेट रेंज दे रही है। तो विस्पा इलेक्ट्रिक स्कूटर के हम तो यहाँ पर नहीं कह सकते बहुत अच्छी सर्विस देंगे, बट देखते हैं आगे सर्विस कैसी रहती है, क्योंकि सर्विस अच्छी होगी तो काफ़ी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर मतलब सेल होते रहते हैं। सर्विस अगर अच्छी नहीं होगी तो कोई कस्टमर यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस नहीं करेगा, तो फर्स्ट आपको यहाँ पर जो सर्विस भी देखना पड़ेगा। वारंटी की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3 ईयर का वारंटी मिलने वाला है, बट आपको विस्पा की इलेक्ट्रिका स्कूटर में कन्फर्म नहीं है कि 3 ईयर के बाद आपको 50,000 किलोमीटर तक या है या सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर का वारंटी मिलने वाला है। बट TVS iQube में 3 ईयर का आपको वारंटी मिलने वाला है विथ आपको 50,000 किलोमीटर तक या मतलब इन दोनों में से जो सबसे पहले होगा वो यहाँ पर जो इंक्लूड किया जाएगा। सो बात करते हैं फाइनल यहाँ पर जो रिजल्ट के बारे में कि इन दोनों में से फाइनली कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस्ट होने वाली है। सो दोस्तों विस्पा इलेक्ट्रिका स्कूटर की बात करें तो विस्पा इलेक्ट्रिक स्कूटर मेड इन इंडिया नहीं है, उसके प्राइस जो है ज़्यादा प्राइस हो सकती है। अगर इसके प्राइस 1,20,000 भी रखते हैं तो ये इंडिया के यहाँ पर मार्केट में नहीं चलने वाली है। इसका प्राइस 1 लाख रहने वाला है तो इंडिया के मार्केट में चलने वाली है। हम कंपेयर करें TVS की iQube से, TVS iQube एक बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसमें आपको 1,15,000 रुपये में ऑन रोड मिलने वाला है। आपको बजट चेतक भी आपको 1,20,000 के आसपास इसका जो है ऑन रोड का प्राइस आता है, बट TVS iQube का 1,15,000 रुपये में ऑन रोड मिलने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी अच्छे लुक के साथ आती है। दोस्तों अगर आप TVS iQube लेते हो तो TVS iQube लेने के बाद आपको स्पीड काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है,
प्राइस भी आपको ज़रा इतना भी ज़्यादा नहीं है, प्राइस 1,15,000 रुपये में ऑन रोड मिलने वाला है। एंड लुक भी काफ़ी अच्छा है, बिग डिस्प्ले आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है। हम कंपेयर करें वेस्पा से तो आपको डिस्प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी बड़ा आईक्यूब में मिलने वाला है। अगर डिफरेंट दोस्तों इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं है, ज़रा सा डिफरेंट आपको प्राइस में आ सकता है। सो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर जो कंपेरिजन हमने यहाँ पर जो कम्प्लीटली कर दिया, अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें इस वीडियो को। एंड इसी कंपेरिजन एंड न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करना कि आपको इन दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस्ट लगी। अदरवाइज मेरे से कुछ यहाँ पर कंपेयर करते टाइम कुछ मिस हो गया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम अगले वीडियो में इंप्रूवमेंट ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते रहिए। मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।